बाय प्रोफेशन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, बट ये लोग बहुत जल्दी अपने जो नुकसान है उसे बहुत जल्दी ना वो खुद को डिग्रेड कर देते हैं कि यार हमसे ये चीज़ नहीं हो सकेगी. बट स्टार्टिंग में क्योंकि ऐसे मैंने किसी मेंटोर से कोई उनकी हेल्प नहीं ली थी और बाय सेल्फ खुद ही स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत सारे हर्डल्स मतलब फेस करने पड़े. लाइक अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आयशा नज़ीर वर्किंग एज अ टेक्निकल राइटर एट हेलो वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज. When did you start your professional journey? By profession, I'm a physiotherapist, but in 2019, I decided to quit my field and change it to writing. What compels you to start blog writing? बेसिकली जो मेडिकल फील्ड में मुझे ऐसा लगता था कि मेरा एस एच पोटेंशियल जो है वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं हो रहा, तो आई डिसाइडेड कि मुझे जहाँ पे मैं अपनी जो फ्रीली अपना वर्क कर सकूंगी वहाँ पे मैंने उस फील्ड को चूज किया. और जब मैंने राइटिंग की तरफ आई तो क्योंकि मुझे रीडिंग का एस एच बहुत शौक है, तो इसी वजह से फिर मैंने राइटिंग को ऑप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग ग्रेट. इस जर्नी में क्या हर्डल्स प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा आपको? स्टार्टिंग में क्योंकि ऐसे मैंने किसी मेंटोर से कोई उनकी हेल्प नहीं ली थी और बाय सेल्फ खुद ही स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत सारे हर्डल्स मतलब फेस करने पड़े. लाइक मुझे पता नहीं था कि मुझे क्लाइंट्स को कैसे हंट करना है, मुझे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पे कैसे रिएक्ट करना है. बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे गाइडेंस के बगैर करनी पड़ी, जिसकी वजह से मुझे 1.5 ईयर लगा अपनी चीज़ को प्रॉपर उस वे में ले जाने के लिए. What keeps you motivated? मुझे सेल्फ बिलीव है कि आई एम हियर टू डू समथिंग बिग, तो इसी वजह से ये चीज़ मुझे लगती है. बहुत से हर्डल्स ऐसे आते हैं, बहुत टाइम ऐसा आता है जब मैं बिल्कुल लो स्टीम फील करती हूँ, बट मुझे पता है कि मैंने कुछ बड़ा करना है, तो वही चीज़ जो है मुझे मोटिवेट रखती है. व्हाट इज द की फैक्टर ऑफ सक्सेस योर ओपिनियन? कंटिन्यूअस लर्निंग, आई स्टिल डू कंटिन्यूअस लर्निंग इवन के इट्स बीन 3 ईयर्स इस प्रोफेशन में. मैं मतलब बहुत अच्छे से अब माशाल्लाह से अर्निंग भी है, सब कुछ है, बट स्टिल मैं पेड कोर्सेज करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लर्निंग का प्रोसेस कभी भी रुकना नहीं चाहिए. बीइंग अ सक्सेसफुल लेडी, व्हाट्स योर मैसेज फॉर द स्ट्रगलर्स? कभी भी आप स्टार्ट कर दें, कभी भी आप ये मत सोचें कि यार ये हर्डल्स हैं हम इसको कैसे ओवरकम करेंगे, बट एटलीस्ट स्टार्ट कर दें. जब आप स्टार्ट करेंगे उस चीज में आएंगे, आपको खुद ही मोटिवेशन मिलती जाएगी. एंड वन थिंग मोर कि लोग बहुत जल्दी अपने जो नुकसान है उसे बहुत जल्दी ना वो खुद को डिग्रेड कर देते हैं कि यार हमसे ये चीज नहीं हो सकेगी, बट मुझे लगता है कि आपको खुद पे बिलीव सबसे पहले होना चाहिए. आप खुद पे बिलीव रखेंगे तो लोगों को आप पे बिलीव होगा. प्लान 100 को किस तरह देखती हैं आप? हेलो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का जो इनिशिएटिव है प्लान 100, ये बहुत रिफॉर्म लेके आने वाला है स्पेशली वुमेंस के लिए आईटी फील्ड में, क्योंकि वुमेन इन टेक भी हमारा इनिशिएटिव है इसमें. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज जो है हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा इस प्लान 100 के अंदर. और आप क्या समझते हैं कि हेलो वर्ल्ड और आईसीआर क्या रोल प्ले कर रहा है यहां की प्रोग्रेस? इनको हेलो वर्ल्ड को और आईसीआर को तो किसी रिकग्निशन की जरूरत है ही नहीं. पूरा रहीमिया खान और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जल्द जान जाएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या प्रोग्रेस लेकर आ रहे हैं. हमारे रहीमिया खान को जो हम आईटी हब बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर खुद ही हमारी तारीफ होगी इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू.